जयपुर से खबर है, एसएमएस में हीट वेव के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मरीज हल्का, अस्पताल के कई बड़े वार्डों में काम नहीं कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड डक्टिंग, अस्पताल में न कूलर का इंतजाम और न ही हवा के लिए कोई बंदोबस्त है, ट्रोमा सेंटर में तो दयनीय हालत है, खुद मरीज के परिजन व्यवस्था कर रहे हैं इस गर्मी को कैसे बघाएं। सबसे आश्चर्य तो यह है कि विभाग के एसीएस शुभ्रा सिंह बार बार निर्देश दे रही है, बावजूद इसके एसएमएस में सिस्टम दुरुस्त नहीं कर पा रहा है प्रशासन। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, एक तरफ राज्य सरकार तो कह रही है कि जो एम्बुलेंस भी गुजरे उसमें एसी की व्यवस्था हो, और दूसरी तरफ प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जिसकी ओर से कोई व्यवस्था ही नहीं दिखाई दे रही, कौन जिम्मेदार दिखाई दे रहा है विकास साफ तौर पर? हाँ देखिए, बिल्कुल सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में इस वक्त जो हीट वेव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे वो दिशा निर्देश पूरी तरह हवा साबित हो रहे हैं। यहाँ पर हालात ये है कि वार्डों के अंदर भीषण गर्मी के बीच मरीज जो है बिना डक्टिंग के बिना कूलर के इलाज कराने को मजबूर है। ये है कि वहां पर तो मरीज जो है खुद अपने घर से पंखे कूलर जो है वो लेके आ रहे हैं, ला करके उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये जो स्थितियां हैं ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी हालात और बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी का दौर है और ये गर्मी का दौर आगे और बढ़ने वाला है, जिस तरह से अलर्ट जारी हुआ है कि अगले 7 दिन इसी तरह की गर्मी रहेगी, तो ऐसे में निश्चित तौर पर चिंता का विषय है अस्पताल प्रशासन के लिए भी और सभी के लिए। खुद अस्पताल अधीक्षक जो है वो खुद मान रहे हैं कि अभी इंतजाम पूरे नहीं हो पाए हैं, जहाँ जहाँ वैकल्पिक इंतजाम किए जाने हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है किए जाने हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, ऐसे में राज्य सरकार के साथ हर विभाग की जिम्मेदारी भी बनती है कि इंतजाम किए जाएं ताकि जो मरीज हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।